मुझे कब और कैसे मिलना है ये सब तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। कहते हुए वो अनजान आवाज फोन रख देती है। शिखर अपना फोन थामे कुछ देर इसी बारे में सोचते हुए यूं ही खड़ा रहता है। उसके फोन पर एक संदेश आता है। संदेश में एक जगह का पता और एक तारीख और समय लिखा है और साथ ही लिखा है एक नाम, हीना खान। शिखर को शक होता है कि ये अमित द्वारा उसे फंसाने के लिए कोई चाल भी हो सकती है, पर मन ही मन वो ये भी ठान लेता है कि सच का पता लगाने का एक ही तरीका है, उसे हिना से मिलना ही होगा। दूसरे पल इधर शीना तैयार होकर आती है और हंसते हुए शिखर से पूछ रही है, और क्या सरप्राइज है बताओ तो सही। शीना की आंखों पर हाथ रखे शिखर उसे कहीं ले जा रहा है। वो हंसते हुए जवाब देता है, अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा। शिखर धीरे से दरवाजा खोलता है और शीना की आंखों से हाथ हटाते हुए कहता है, सरप्राइज। शीना आंखें खोलती है और सामने जो देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। शीना देखती है कि शिखर ने कमरे को फूलों से सजाया है, जगह जगह खुशबूदार मोमबत्तियां लगी है और गुलाबी और सुनहरे रंग की लाइट पूरे कमरे को रोशन कर रही है। धीमी धीमी आवाज में शीना की पसंद के गाने बज रहे हैं। शीना कुछ देर के लिए चेहरे पर मुस्कान लिए यह नजारा देखती रह जाती है। शिखर शीना को अपनी ओर खींचते हुए बोलता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। शीना मुस्कुराते हुए शिखर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, इससे बेहतर सरप्राइज मुझे आज तक नहीं मिला। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को यूं ही देखते रहते हैं। शीना को यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिरकार शिखर उसके इतने करीब है। शीना शिखर की आंखों में आंखें डाले पूछती है, क्या मैं जान सकती हूं मुझे ये सरप्राइज किस बात के लिए दिया जा रहा है। शिखर शीना के और करीब आते हुए कहता है, कोई खास वजह थोड़ी चाहिए मुझे तुम्हें खुश करने के लिए। शीना मुस्कुराती है और शिखर शीना को बस निहारता रह जाता है। शिखर शीना के और करीब आते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि माहौल को खराब करते हुए शिखर का फोन जोरों से बज उठता है। शिखर फोन को नजरअंदाज करते हुए शीना के पास बैठ जाता है। उसका फोन एक बार फिर बजता है तो शीना कहती है, देख लो कौन है, क्या पता कुछ जरूरी हो। शिखर शीना को प्यार से छेड़ते हुए कहता है, आज के लिए तुमसे ज्यादा जरूरी तो कुछ नहीं है मेरे लिए। शीना शिखर की बात सुनकर शर्मा जाती है, उसे कसकर गले लगा लेती है। शिखर का फोन मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और एक बार फिर बज उठता है। शिखर परेशान होते हुए अपने फोन की तरफ देखता है और इशारे से शीना से माफी मांगते हुए फोन उठाता है। स्क्रीन पर लिखे नाम को देख वो दंग रह जाता है। फोन पर अनन्या का नाम लिखा आ रहा है। शिखर ये सोचते हुए कि आखिर वो इस वक्त क्यों कॉल कर रही है, फोन उठाता है और धीरे से हेलो बोलता है। दूसरी ओर से एक डरी हुई आवाज में कोई अनजान व्यक्ति बोलता है, हेलो, क्या आप जिनका ये फोन है उन्हें जानते हैं। शिखर घबराते हुए कहता है, हाँ हुआ क्या है। दूसरी ओर से एक आवाज कहती है, दरअसल जिनका ये फोन है वो लड़की मुझे सड़क के किनारे फोन से लथपथ बेहोश पड़ी मिली थी, उन्हें काफी चोटें आई हैं, मैं उन्हें तुरंत ही सिटी अस्पताल ले आया हूँ, आप भी यहाँ आ जाइए। शिखर के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर शीना तुरंत उससे पूछती है, क्या हुआ, किसका फोन था। शिखर अपनी तेज सांसों के साथ कहता है, अनन्या को कुछ हो गया है, हमें तुरंत ही अस्पताल जाना होगा। शिखर और शीना अपना सारा प्लान कैंसिल कर अस्पताल पहुंचते हैं। पहुंचते ही शिखर भागता हुआ अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक जाता है और हांफते हुए पूछता है, अनन्या नाम की कोई लड़की अभी अभी यहां लाई गई है क्या। शिखर की बात सुनकर पास की कुर्सी पर बैठा एक आदमी उस तक आता है और कहता है, मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया था, आपकी दोस्त इस वाले कमरे में है, आइए। शिखर को उस व्यक्ति के पीछे जाता देख शीना भी उसके साथ अनन्या के कमरे की ओर जाती है। शिखर कमरे के बाहर खड़ा अनन्या को देख रहा है। अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी अनन्या पर तरह तरह की चोटों के निशान नजर आ रहे हैं।
शिखर का मन सवालों में उलझा है कि किसने किया है अनन्या के साथ ऐसा और क्यों। वो यही सोच रहा है तभी जो व्यक्ति अनन्या को अस्पताल लेकर आया था शिखर का ध्यान खींचते हुए कहता है, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, ये खतरे से बाहर है, पर उसे कब तक होश आएगा ये डॉक्टर नहीं बता पाए। काफी गहरी चोट आई है ना, इसलिए अब आप आ गए हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। शिखर से हाथ मिलाकर वो व्यक्ति जाने लगता है तो शिखर उसे रोकते हुए कहता है, तुम अनन्या को वक्त रहते अस्पताल ले आए, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बताना, तब तक के लिए कुछ पैसे रख लो। शिखर उस व्यक्ति के हाथों में नोटों की एक गड्डी थमा देता है। कुछ देर के लिए वो इंसान झिझकता है पर शिखर के कहने पर वो आखिर मान ही जाता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। शिखर कुछ देर खड़ा अनन्या को देखता रहता है। शीना शिखर के पास आते हुए कहती है, हमें अनन्या के परिवार वालों को खबर कर देनी चाहिए और तुम भी चलकर अब आराम कर लो। शिखर कुछ देर सोचता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि वो अनन्या को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वो शीना को समझाते हुए कहता है, अनन्या ने आज तक मेरी बहुत बार मदद की है, ऐसे में आज उसे इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता, पर अगर तुम नहीं चाहती मैं यहां रुकूं तो मैं नहीं रुकूंगा। शीना शिखर की ओर देखती है और उसके मन की उलझन साफ नजर आ रही है। एक तरफ वो शिखर के इतने पास आकर फिर से उसे खोना नहीं चाहती, पर दूसरी ओर उसको ये भी मालूम है कि शिखर के लिए अनन्या कितनी जरूरी है। कुछ देर इसी कश्मकश में शीना शांत खड़ी रहती है। आखिर में थोड़ी हिम्मत बटोरते हुए वो शिखर से कहती है, मुझे पता है अनन्या ने तुम्हारी आज तक कितनी मदद की, ऐसे में मैं भला तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। शीना शिखर को देखकर मुस्कुराती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम यही इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अगले दिन खुद को जेल के सामने खड़ा देख शिखर के मन में सबसे पहला सवाल यही आया, क्या वो सही जगह पर है भी या नहीं। दिया हुआ पता था तो यही, एक बार और जांच परख करने के बाद शिखर अंदर जाने का तय करता है। अंदर जाकर शिखर कुछ देर इधर उधर देखता है। एक बहुत ही बड़ी जेल है और देश भर से अलग अलग जुर्म करने वाली महिलाएं यहां बंद है। एक आदमी उसकी ओर आते हुए उससे हाथ मिलाता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम प्रकाश है। हिना की ओर से वो संदेश मैंने ही आपको भेजा था, आओ अंदर चलते हैं, वो आपका इंतजार कर रही है। शिखर प्रकाश के पीछे पीछे अंदर जाता है। चलते चलते शिखर को रुककर कई बार अपनी और अपने सामान की जांच करानी पड़ती है। इन सब के दौरान शिखर यही सोच रहा होता है कि आखिर हिना है कौन और उसने ऐसा क्या किया है जो उसे यहां रखा गया है। शिखर ये सोचते सोचते प्रकाश के साथ जेल की उस जगह पर आ जाता है जहां कैदियों को उनके परिवार, दोस्तों इत्यादि से मिलने का मौका दिया जाता है। एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए प्रकाश शिखर से बैठने के लिए कहता है। शिखर बैठते हुए प्रकाश से कहता है, कौन है हिना और तुम उसे कैसे जानते हो। शिखर की बात के पहले हिस्से को नजरअंदाज करते हुए प्रकाश जवाब देता है, मैं हिना का वकील हूं। शिखर की उत्सुकता और बढ़ती है, वो प्रकाश से सवाल करता है, हिना का अमित से क्या संबंध है। प्रकाश बड़ी ही बेरुखी से कहता है, बेहतर होगा अगर आपको जो भी सवाल करने हो वो आप सीधा हिना जी से ही कर लें। शिखर आपत्ति जताते हुए कुछ कहने को ही होता है कि तभी प्रकाश अपनी कुर्सी से खड़ा होता हुआ वहां एक किसी इंसान की ओर हाथ बढ़ाता है। सामने लगभग अमित की ही उम्र की महिला जेल के कपड़े पहने खड़ी है जो देखने में काफी सुंदर थी। उसे देखकर उसे कोई कैदी कह ही नहीं सकता था। ये महिला शिखर की ओर हाथ हिलाते हुए बेहद मीठी आवाज में कहती है, हेलो, मैं हिना हूं, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई शिखर। हिना का मासूम सा चेहरा शिखर की उलझन और भी ज्यादा बढ़ा देता है। उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके जैसा कोई व्यक्ति जेल में आखिर क्यों होगा। हिना प्रकाश की ओर कुछ इशारा करती है और प्रकाश तुरंत ही शिखर से विदा लेते हुए कहता है, आपके पास एक घंटे का वक्त है बात करने के लिए,
उसके बाद भी अगर आपको हिना से मिलना हो या कोई भी बात पहुंचानी हो तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। इतना कहकर प्रकाश वहां से चला जाता है और हिना कई देर तक उसे जाते देखती रहती है, फिर मानो जैसे वो खुद से ही बात कर रही हो। हिना धीरे से कहती है, पिछले कई सालों से प्रकाश की फीस देने के पैसे भी नहीं बचे हैं मेरे पास। वो सिर्फ मेरा दोस्त होने के नाते मेरी मदद कर रहा है। अमित ने इतना बेसहारा बना दिया है मुझे, पर अब और नहीं। शिखर को अब बेसब्री से हिना के बारे में और जानना है। अमित को हराने में वो क्या भूमिका निभा सकती है, सोचते हुए शिखर उससे पूछता है, मैं समझ रहा हूं कि आप अमित को जानती हैं, पर आपके यहां होने की वजह कहीं ना कहीं अमित ही है। हिना हामी भरते हुए सर हिलाती है, उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही है। मैं और अमित बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, स्टील के बाद फूड कंपनी का वेंचर हम दोनों ने साथ मिलकर ही शुरू किया था। शिखर हिना की बात गौर से सुन रहा है। हिना नजरें झुकाए बात जारी रखते हुए कहती है, बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए सबको कुछ ना कुछ तो गलत करना ही पड़ता है, और मुझे ये कहते हुए कोई एतराज नहीं है कि मैं और अमित दोनों ही जल्द से जल्द बहुत पैसा कमाना चाहते थे, और उसके लिए हमें जो करना पड़ा हमने किया। जाहिर सी बात है इनमें से ज्यादातर काम गैर कानूनी थे, पर अमित और मुझमें एक आपसी समझदारी थी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर रहेगी। अमित ने मुझे धोखा दिया। आज से कुछ 5 साल पहले जब हमारी कंपनी इनकम टैक्स विभाग की नजर में आई तो हमारे द्वारा किए गए कई काम सामने आए। इन सबसे हमारी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई, और जैसे ही केस कोर्ट तक पहुंचा अमित ने अपना पूरा रुख बदलते हुए सारा इल्जाम मेरे सर डाल दिया और मेरे खिलाफ ये गवाही दी कि जो भी कुछ हुआ उसकी अमित को कोई भनक तक नहीं थी और मैंने अपने ही लालच में कंपनी का गलत इस्तेमाल किया। हिना थोड़ी देर अपने ख्यालों में खोई रहती है और फिर टेबल पर हाथ पटकते हुए कहती है, मैं इतने दिनों से कोई तरीका ढूंढ रही थी अमित से बदला लेने का, और तुम्हारी जिंदगी में आते ही मुझे शायद वो रास्ता मिल गया है। शिखर हिना की बातें ध्यान से सुनता है, कुछ देर शांत रहने के बाद पूछता है, मैं समझ सकता हूं कि आप अमित से बदला लेना चाहती है, पर इन सब में मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? हिना मुस्कुराते हुए कहती है, फायदा है, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अमित के बारे में कुछ ऐसे राज पता है कि तुम उसे और उसकी कंपनी को कुछ ही दिनों में पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। शिखर कहता है, और इसके लिए मुझे क्या मदद करनी होगी? हिना गंभीरता से शिखर की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें मुझे जेल से बाहर निकालना होगा। शिखर ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। एक तरफ उसे अमित के सारे राज पता करने का एक तरीका नजर आ रहा है, पर दूसरी ओर यह भी लग रहा है कि क्या पता हिना उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। न जाने क्यों पर आज शिखर का मन ही नहीं मान रहा है कि हिना उसकी मदद सच में करना चाहती है। शिखर इसी उलझन में थोड़ी देर हिना को देखते रहता है और फिर बड़े ही सोच विचार के बाद कहता है, मैं आपको जेल से निकाल भी दूं और आप मेरी कोई मदद ना करो ये भी तो हो सकता है। आप पर भरोसा करना मेरे लिए बहुत बड़ा जोखिम है, इसलिए मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता आपकी मदद करके। शिखर खड़े होते हुए हिना की आंखों में आंखें डाले कहता है, अगर आप पहले वो राज बताने को राजी हो जाओ तो मैं आपको जेल से निकलवाने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। हिना भी एक झूठी मुस्कान के साथ पलट कर कहती है, जब तक तुम मेरा कहा करके ना दिखा दो अमित का वो राज तुम्हें कभी पता नहीं लगने वाला। क्या शिखर हिना के सामने झुककर उसकी बात मान जाएगा? क्या उसके मन की शंका सही है कि ये बस हिना की एक चाल है? और अमित का कौन सा राज आने वाला है शिखर के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।